हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरसे एजुकेशन हब बांसू। ओके बेटा, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट होम। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 1। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और इससे पहले हम 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसके अलावा हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, तो देखिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था जो सॉलिड्स होते हैं उनकी वॉल्यूम और शेप कैसी होती है। बताइए कैसी होती है? फिक्स्ड होती है, ओके। उनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और उनकी जो शेप है वो भी फिक्स होती है, बिकॉज दे हैविंग ए डेफिनेट बाउंड्री। ऐसा नहीं कि हमारी जो बेंच है वो रात को पिघल के छोटी हो गई या बेंच से कुछ और बन गया, दैट इज नॉट पॉसिबल, ओके। उसके बाद हमने डिस्कस की थी लिक्विड में, लिक्विड की जो शेप और वॉल्यूम होती है वो कैसी होती है। शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स होती है, बट गैसेस में दोनों ही फिक्स नहीं होती है, नाइदर वॉल्यूम नॉर शेप, ओके। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस, तो हमने देखा था कि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो कैसे होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम होते हैं, ठीक है। और गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और हमने एक सेम चीज डिस्कस की थी कंप्रेसिबिलिटी, कि दबा सकते हैं, तो सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, इनकी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, नील होती है। लिक्विड में सेम है, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी वो सॉलिड से ज्यादा लेकिन गैसेस से कम होती है, ओके। और गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी वो हाईएस्ट होती है। अब हम अगली 3 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, रेडी हैं आप सब? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? देखिए बेटा, फ्लूइडिटी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, स्पेशली ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ओके। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए जनरली आपने एक चीज देखी होगी, फॉर एग्जांपल कई बार बच्चे होते हैं वाटर ड्रिंक करते हैं ग्लास से और बाय द वे उनसे ग्लास छूट गया, ओके, और ये जो ग्लास है इसका पानी क्या हो गया, जमीन पे, फर्श पे स्पिल हो गया। अब ये वाटर था तो यहाँ पे लेकिन ये स्पिल होता हुआ यहाँ चला गया, ओके। और जनरली हाउसेस में होता रहता है कि जो आपके फ्लोर है वो बहुत स्लीपी होता है और वाटर गिरने के बाद तो कोई भी अगर गंदा यहाँ पे आया, ठीक है, तो पता लगा कि वो क्या हो गया, स्लिप हो गया, अंडरस्टैंड। और स्लिप होने के बाद कंडीशन क्या होती है आपको पता है, ये फैलिंग ऑन द ग्राउंड, ओके। तो ये हुआ कैसे? देखिए क्योंकि वाटर में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं फ्लूइडिटी, अंडरस्टैंड, दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर आपने उसको एक जगह पे डाला है तो वो एक ही जगह पे तो रुक जाता है यहीं पे, इज इट क्लियर? तो वो शायद वो फिसलते ही नहीं, लेकिन क्या हुआ, वाटर खुद पे खुद जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया, अंडरस्टैंड। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी, अंडरस्टैंड। तो ये मेरी प्रॉपर्टी किसकी होती है, लिक्विड। तो आप क्या कहेंगे, क्या सॉलिड में फ्लूइडिटी है? नो, सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं है, लेकिन सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी यानी जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, वी कांट कंप्रेस देम, ओके। लेकिन अगर फ्लूइडिटी की बात है तो क्या फ्लूइडिटी होगी सॉलिड्स में? नहीं होगी, क्योंकि अगर आप बेंच एक जगह रखोगे तो एक ही जगह रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपने उसमें व्हील्स लगा रखे हैं और व्हील्स को भी आपको हल्का सा कुछ तो करना ही पड़ेगा तभी वो दूसरी प्लेस में जाएगी, ओके। लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है? फ्लूइडिटी। वो फ्लूइड से दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। क्या गैसेस में फ्लूइडिटी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको पता है आप गैसेस को, आपको भी मुट्ठी में गैस है बट जैसे आप ओपन करेंगे वो जो एयर है वो मूव करेगी, इज दैट क्लियर? तो इनमें भी फ्लूइडिटी। आई होप तुम्हें फ्लूइडिटी समझ में आ गई होगी, इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। देखिए एक चीज खास आपको ध्यान रखनी है बेटा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन और दूसरी जो प्रॉपर्टी है इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे की अपोजिट है। भाई इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब क्या होता है, इनके बीच में जो स्पेस, अंडरस्टैंड?
और इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन, अंडरस्टैंड हो गया? ओके, फॉर एग्जांपल आप समझो, देयर इज अ पर्सन, इट्स नेम इज राम, आर यू कैन से दैट, इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है एस, अंडरस्टैंड, और आर का एक और फ्रेंड है जिसका नाम है एम, अंडरस्टैंड। अब देखिए, जो आर है ये एस के साथ इसकी बहुत फास्ट फ्रेंडशिप, कैसे फ्रेंडशिप है फास्ट, तो हम क्या कह सकते हैं, दीज आर क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। आर और एम की भी दोस्ती है, बट दैट इज नॉर्मल फ्रेंडशिप, तो हम क्या करेंगे, ओनली फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड। अब देखिए, ये जितने क्लोज फ्रेंड्स हैं उतने ही इनके बीच में जो स्पेस है, स्पेस मीन्स नॉट कि एक दूसरे से हम कनेक्ट रहेंगे, वो एक दूसरे से चिपके रहेंगे, नहीं, स्पेस का मतलब है कि एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, ठीक है, इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, दे नो ईच अदर, ओके, एक दूसरे की बातें जानते हैं, एक दूसरे की लाइक्स एंड डिसलाइक्स को पता है, तो इन क्योंकि ये क्लोज फ्रेंड्स है तो इनके बीच में स्पेस क्या होगा, कम हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, क्लोज फ्रेंड है तो इनके बीच में स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज फ्रेंड्स नहीं तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, इज इट क्लियर, यानी क्लोज फ्रेंड है तो स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, अगर स्पेस कम है इसका मतलब हम क्या करें, क्लोज फ्रेंड है बहुत पास पास है, अगर स्पेस ज्यादा है तो वो बहुत दूर दूर है, क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, सेम चीज यहाँ पे समझना इसको, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक, ओके। देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ सोलर से, सोलर में क्या जो स्पेस है वो कैसा था आपको साइड दिख रहा होगा, बहुत कम है, स्पेस कम होने का मतलब है स्पेस क्या है, कम है, यानी इनके बीच में जो क्लोजनेस है वो क्या होगी, ऑफकोर्स ज्यादा होगी भाई, जब इनमें स्पेस कम क्यों है, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत पास हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, वो बहुत एक दूसरे को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इनके बीच में जो स्पेस है वो कम है, यानी अगर आपको ये पॉइंट याद है कि इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आप अट्रैक्शन बता देंगे, क्योंकि आपको पता है इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है सॉलिड में कम है, इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। लिक्विड में क्या होता है, तो लिक्विड में देखिए मीडियम है, तो मीडियम कहने का मतलब आप क्या कहेंगे, हमने देखा था कि इनका जो स्पेस है वो सोलिड के कंपेरिजन में ज्यादा होता है, यानी इनका जो अट्रैक्शन है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वो सोलिड से कम होगा, ओके। चलिए गैस की बात करते हैं, गैस में क्या होगा, स्पेस बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, स्पेस हाईएस्ट होने का मतलब है इनमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो कम है, सबसे कम है, लीस्ट कह सकते हैं, लीस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब इसमें लीस्ट इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, लेकिन लिक्विड्स में तो क्या है, इसके कंपेरिजन में स्पेस ज्यादा कम था, यानी मीडियम है, तो इसका जो इंटर पार्टिकल स्पेस या अट्रैक्शन होगा वो गैसेस के कंपेरिजन में कैसा होगा, ज्यादा होगा, समझ में आएगा, यानी जनरली आपको याद रखना जरूरी है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो तो सोलिड में सबसे कम है, लेकिन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सोलिड में सबसे ज्यादा है, ओके, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंडरस्टैंड, ये याद रखना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सोलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड्स में मॉडरेट, जिसको हम दो एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, और गैसेस में लीस्ट, सबसे कम, क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल स्पेस को हटा दीजिए, अब हम बात कर रहे हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सोलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में क्या होगा, सोलिड के कंपेरिजन में कम और गैसेस के कंपेरिजन में ज्यादा, और गैसेस में सबसे लीस्ट, क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसी से रखते हैं। लास्ट हमारे पास है अगला क्या पॉइंट, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से हम इसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए आपको याद होगा जब हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट इज एनर्जी विच इज पॉजेस ड्यू टू मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इट मींस दैट शुड बी डिपेंड ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी, भाई ये सिर्फ पार्टिकल के मामले में नहीं कह सकते हम,
का क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, उसने लकड़ी पकड़ ली है हाथ में, उसके बाद चल रहा है। तो यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मच मोर इन कंपैरिजन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। क्लियर है? सेम आप पार्टिकल्स की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ओके, अब पार्टिकल्स कौन से मूव करेंगे, कौन से पार्टिकल्स मूव करेंगे? भाई फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे बहुत सारा व्हीकल जा रहा है, ठीक है, एक व्हीकल, दो व्हीकल, तीन व्हीकल, बहुत सारे हैं, दे कैन मूव, क्या मूव करेंगे बताइए? नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि स्पेस ही नहीं है, ठीक है। यानी कौन से व्हीकल मूव करेंगे जिनमें स्पेस है, ये व्हीकल आराम से मूव करेगा। ओके, तो सेम प्रकार यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो किसकी, क्या सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? लीस्ट। कैसे होगी? लीस्ट। क्यों? क्योंकि स्पेस है नहीं ना, पार्टिकल्स तो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है, बहुत स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, तो इनमें स्पेस है नहीं, स्पेस नहीं है तो वो मूव करेंगे नहीं, यानी बहुत नेग्लिजिबल ना की प्रॉब्लम मूव करें। लिक्विड की क्या बात है? तो सेम बात आ जाएगी, लिक्विड में तो क्योंकि स्पेस है तो वो सॉलिड से ज्यादा मूव कर सकते हैं लेकिन गैसेस से कम मूव करेंगे। ओके, और अगर बात करें गैसेस की तो इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है तो वो बहुत इजीली स्ट्रॉन्गली मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह दौड़े दौड़े फिरेंगे, ठीक है, रैंडमली मूवमेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस की कंपेरेबल स्टडी, ये आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सिर्फ ये क्लास नाइन्थ के लिए नहीं, आगे भी अगर आपको स्टडी करना है इलेवन ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप एवरीथिंग शुड बी ओके, हैव ए गुड डे, बाय।